दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गईं। पर दो दिन बाद हमने क्या देखा कि हमारे बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गौरैयों ने नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ ची ची करने लगी। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। ची ची करती दोनों गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी तंग आ गए थे। एक दिन कहने लगे कि यह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिर के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया ची ची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी।
कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे।